और एजेंडा दिल्ली के मंच पर आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। रागनी जी, शुरुआत आपसे करते हैं और पहला सवाल मैं चाहता हूं कि पहले आप तमाम लोग 50-50 सेकंड अपनी बात को रखें, फिर हम इस बहस को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं रागनी जी, क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस शिद्दत से चुनाव वाकई लड़ रही है? क्योंकि राहुल गांधी अभी तक कहीं दिखे नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक कहीं प्रचार करती हुई नहीं दिखी, सोनिया गांधी कहीं प्रचार करती हुई नहीं दिखी। क्या कांग्रेस सिर्फ रस्म अदायगी कर रही है, सिर्फ शहीन बाग में दिख रही है कांग्रेस? देखिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस भाव के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी काम करती रही है और आज भी कर रही है। और हमारा पुरजोर तरीके से ये मानना है कि प्रचार का काम या जनता को अपनी तरफ करने का काम केवल चुनावी 15 दिनों में नहीं होता है, 5 साल में होता है। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 556 करोड़ रुपए जब इश्तहार में खर्च कर रही थी आम आदमी पार्टी, और सफाई कर्मचारियों का वेतन देने के पास ना एमसीडी के पास पैसा था, ना दिल्ली सरकार के पास, एमसीडी में भाजपा का राज है, तब राहुल गांधी ही मदद के लिए आए थे, राहुल गांधी ने ही वहां बैठकर आवाज उठाने का काम किया था। और मैं याद दिला दूं कि जब बसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, तब भी ये दोनों पार्टियां नदारद थी, जिनके 7 सांसद और 67 विधायक हैं, तब भी राहुल गांधी जी ने जाकर ही वहां पर जो ध्वंस हो रहा था उसे रोकने का काम किया था। तो आप राहुल गांधी जी पर सवाल पूछ सकते हैं, जायज है। मैं तो ये कहूंगी, आए नहीं वो राहुल गांधी, दिखे नहीं अभी तक, या आए हैं तो पता नहीं लगा। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गए। हमारी 5 रैली और पब्लिक मीटिंग्स, रोड शोज आखिरी के 3 दिनों में होने वाले हैं, पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ हम पूरी। राहुल गांधी जयपुर में तो रैली कर रहे थे, दिल्ली में नहीं करी? जयपुर की रैली से भी देश और दिल्ली के नाम संदेश दिया गया। चलिए, दिल्ली की जिम्मेदारी केवल दिल्ली की नहीं पूरे देश की है, इसीलिए मुझे लगता है दिल्ली का प्रचार हो रहा है। सुनिए ना, सुनिए, हो गया बस आपके? एक आखिरी बात बोल के, आखिरी बात बोल के आगे बढ़ती हूँ। और दिल्ली जो है वो उसे तिरंगे वाली दिल्ली होगी, तमंचे वाली नहीं, विकास वाली दिल्ली होगी, विनाश वाली नहीं, और गांधी वाली दिल्ली होगी, गोडसे वाली नहीं। इसीलिए कांग्रेस वाली दिल्ली होगी, न झाड़ू का झांसा, न कमल का कीचड़। जी, अब मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपका रुख करता हूँ, 50 सेकंड है। तमंचे पे डिस्को तो सुना था, एक बड़ा फेमस गाना है तमंचे पे डिस्को, लेकिन दिल्ली में तो तमंचा आम हो गया है। देखिए, अभी मैं 3 दिन 3 तमंचाधारी। अभी मैं मनोज तिवारी जी का, क्योंकि मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था तो नेट पे आप ही के यहाँ चल रहा था तो सुन रहा था कॉन्क्लेव। उन्होंने अभी कहा है कि एक तमंचाधारी जो शाहीन बाग में परसों गोली चला रहा था वो शायद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का बेटा है, ऐसा अभी मनोज तिवारी जी ने कहा है। ये पूरी तहकीकात भी चल रही है, सामने सच आएगा। देखिए, शाहीन बाग एक बड़ा विषय है, क्योंकि तमंचे के बारे में आपने पूछा है, स्वाभाविक रूप से शाहीन बाग, जामिया, जेएनयू, इन सब विषय में डिस्कशन चल रहा है। मैं यहां स्पष्ट बोल रहा हूं, आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, शाहीन बाग एक बड़ा विषय है। पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के सोच ने जो जन्म लिया है, हाथ तिरंगा मन में दंगा, हाथ में तिरंगा है किंतु मन में दंगा है। किस प्रकार के नारे लग रहे हैं शाहीन बाग में? आसाम को तोड़ना होगा, पूर्वोत्तर को अलग करना होगा, जिन्ना वाली आजादी चाहिए। मैं खुल के कहता हूं अमीश जी, जिन्ना वाली आजादी 1947 में मिल गई थी, जिनके बसेस छूट गए थे, दोबारा हम बस खड़े कर देंगे, आप जिन्ना वाली आजादी ले लीजिए, अगर उस समय आपकी बस छूट गई थी। तीसरी बात, यहां पर तमंचे के नाम पर हिंदुओं को बार बार रह रहकर आतंकवादी कहने की जो साजिश चल रही है, मैं खुलकर सीना ठोक के कह दूं, हिंदू ना कभी आतंकवादी था ना कभी आतंकवादी बनेगा, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी में नहीं, अपराधी था, आतंकी नहीं था। मैं बता दूं, राष्ट्रपिता को मारने वाला सिर्फ अपराधी था, 50 सेकंड, हिंदुस्तान का पहला आतंकी था। 50 सेकंड, रागिनी ये रूल नहीं टूटना चाहिए। रागिनी, हम रूल तो फॉलो करें। रागिनी, ऐसे नहीं होता। रागिनी, हम रूल तो फॉलो करें, ऐसे नहीं होता। सुनिए, रागिनी, डिबेट का नियम तो फॉलो करें, इतना तो शिष्टाचार रखें कि हम एक दूसरे की बात को सुन ले। रागिनी अनफेयर है, ये ऐसा नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, रागिनी, हम सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, ये गलत, ये उचित बात नहीं। रागिनी, आप इनके साउंड को भी कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये तो माइक है ना, इसमें कैसे कंट्रोल होता है? ये दंगा करने थोड़ी आए हैं यहाँ पे, शांति की शुरुआत में हम न करें। संबित, आपके 15 सेकंड पड़े हुए हैं, आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ भैया। मैंने राहुल, सुनिए, मैंने राहुल गांधी पे अटैक किया, मैंने सोनिया जी पे अटैक की नहीं, मैंने कहा हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकती। मिर्ची क्यों कांग्रेस को लगी? क्यों लगी मिर्ची कांग्रेस को? आप बताइए, मैंने कांग्रेस को अटैक किया क्या? ये क्या है? ये क्या? 15 सेकंड पूरा करूंगा वरना मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं।
मैं पूरा करना मुझे मुझे पूरा करना है। ये चलेगा, देखिए आप ऐसे नहीं चलेगा पर जाएंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा। अमित शाह क्या करेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये हर डिबेट को खराब करती है, ये उचित नहीं है। आप दोनों मैं चाहती हूं, ये हर रागिनी 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 ये ऐसे रागिनी 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 जी आपको शांति से सुनना पड़ेगा। रानी रागिनी जी ऐसे ऐसे नहीं होता। आग में घी डालने का काम ना करें। मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने अब आप ये चाहते हैं कि मैं माइक की मॉनिटरिंग करूं, एक से माइक लूं दूसरे को दूं, इफ यू वांट टू आई कैन डू दैट। इतना तो सिविलिटी हमें होना चाहिए ना। आप अपने मैंने इनका 50 सेकंड सुना ना, इनके 10 सेकंड बाद कभी क्यों नहीं सुनने दिया जा रहा है? बोलिए बोलिए, क्यों नहीं सुनने दिया जा रहा है? बौखलाइए मत, एक सेकंड बोलिए। रागिनी प्लीज आराम से, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं आराम से। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं भैया, चिंता मत करिए। आप 36,000 राहुल गांधी भी आ जाए तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, समझ लीजिए। बोलिए बोलिए, एक सेकंड रागिनी प्लीज। रागिनी बहन कान खोल के सुन लो, संबित भाई आप हिंदुओं को आतंकवादी कहने का ठेका ले रखे हो, लेते रहो, मगर आतंकी हम नहीं है, हम नहीं है आतंकी, नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा था हिंदुओं से दिल्ली में सत्य नहीं, मुझे सुनने दे रहा। एक सेकंड, ये फेयर नहीं है।